सो वेलकम बैक दोस्तों, क्या हालचाल है। एंड फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं Realme 9 सीरीज के बारे में, जहां पर Realme 9 Pro और Realme 9 Pro Plus के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये दोनों स्मार्टफोन लॉन्च के मामले में बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। एंड यहाँ पर ये दोनों स्मार्टफोन की काफी सारी एक्सपेक्ट सामने आ चुकी है, तो आज इस वाली वीडियो में Realme 9 Pro और Realme 9 Pro Plus की स्पेसिफिकेशन और प्राइस के साथ इंडिया लॉन्च डेट के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही टेक वीडियो आपको फ्यूचर में दे सके। तो अगर सबसे पहले इनके डिजाइन की बात कर लेते हैं, तो इनके रियर साइड में आपको ग्लास बैक देखने को मिलेगा, जहां पर रेक्टेंगुलर शेप में कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। और ऐसा ही डिजाइन आपको Realme GT 2 Pro के अंदर भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर इसमें आपको तीन कलर वेरियंट देखने को मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं इनके परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि Realme 9 Pro Plus में MediaTek Dimensity 920 का 5G चिपसेट देखने को मिलेगा, और वहीं पर Realme 9 Pro Plus में Qualcomm Snapdragon 695 का 5G चिपसेट मिलने वाला है। और देखा जाए तो दोनों ही फोन्स परफॉर्मेंस वाइज काफी तगड़े देखने को मिलेंगे। एंड स्टोरेज यहाँ पर आपको 4128, 6128 एंड 8128GB तक का अप टू टॉप एंड वेरिएंट देखने को मिलेगा। LPDDR4X रैम और स्टोरेज टाइप के लिए UFS 3.1 का सपोर्ट दिया जाएगा, और दोनों में ही आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 12 और Realme UI 3.0 देखने को मिल जाएगा। एंड दोनों ही स्मार्टफोन में आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा होगा, तो परफॉर्मेंस वाइज दोनों स्मार्टफोन काफी तगड़े रहेंगे। चलिए और बात कर लेते हैं इनके रियर कैमरे के बारे में। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। तो Realme 9 Pro में 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा। तो वहीं पर दूसरी तरफ Realme 9 Pro Plus में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जिसमें सोनी का सेंसर यूज किया जाएगा विद OIS के साथ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन का कैमरा सेटअप काफी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन जो 50 मेगापिक्सल सोनी कैमरा मिलेगा वो यहाँ पर थोड़ा बेटर हो जाता है। तो वहीं पर इनके फ्रंट साइड में आपको एक सिंगल पंच होल जो कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होगा, जिसके अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप बात कर लेते हैं इनके डिस्प्ले के बारे में, तो दोनों स्मार्टफोन में आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ आएगा, जहां पर Realme 9 Pro में 6.59 इंचेस की 120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलेगी, तो वहीं पर Realme 9 Pro Plus में 6.43 इंचेस की 90Hz वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलने वाला है। तो ओवरऑल डिस्प्ले वाइज दोनों ही स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे रहेंगे। बाकी बैटरी और चार्जिंग की बात करते हैं, तो Realme 9 Pro के अंदर 5000mAh की बैटरी मिलेगी 33W के फास्ट चार्जर के साथ, तो दूसरी तरफ Realme 9 Pro Plus में 4500mAh की बैटरी मिलेगी 65W के फास्ट चार्जर के साथ। तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में बैटरी और चार्जिंग काफ़ी फास्ट देखने को मिलेगी। तो फाइनली बात कर लेते हैं इनके लॉन्च डेट और प्राइस की। तो ये दोनों स्मार्टफोन आपको नेक्स्ट मंथ यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक तक देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, Realme 9 Pro की बेस वेरियंट की प्राइस अराउंड 17,000 के आसपास देखने को मिलेगी, तो वहीं पर Realme 9 Pro Plus की 20,000 से लेकर 22,000 के आसपास देखने को मिल सकती है। और वैसे आपको क्या लगता है, ये स्मार्टफोन कब तक और किस प्राइस पे देखने को मिल सकते हैं, कमेंट में बताइएगा जरूर। क्या आप लोग इस स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड हैं? इसके अलावा अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।